कंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो सीईओ के साथ मुलाकात की है, ठीक है जी, इसमें उन्होंने एक बेसिकली तो टेक्निकली बेंचमार्क सेट किया है, उनको बताया है कि हम क्या, हमारा मिशन क्या है। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में उन्होंने इंडिया का एक नाम पैदा करना है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कर दिखाएंगे। इंडिया इज थिंकिंग, टॉकिंग, वर्किंग इन अ डिफरेंट बॉल गेम है भाई। दे आर कम्प्लीटली दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट लाइंस। मुसीबत ये है, हमारे यहाँ दिमाग इस्तेमाल करने का रिवाज ही नहीं है, खोपड़ियाँ खाली हैं। उनके बच्चों में ये जेन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है, उनके माइंड सेट ये। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। मेरे वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको? खिलाड़ियों को। अ लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल मैन डाइड फॉर पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी किस चीज पे फोकस करना चाहता है? He wants to focus on a supply chain for India. और वो supply chain पे उसमें वो काम करेगा। The reason behind is वो इसलिए काम करेगा, उसको समझ है इन चीजों की कि अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये देखूंगा तो फिर मैं तभी जाकर चीजें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए, एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट दे सकते हैं। सो सस्टेनेबल एनवायरमेंट तब आएगा जब इंडिया अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तब चल सकती है। अब ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो सेमीकॉम 2024 ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, ठीक है जी, इसमें वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स, ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया, वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वजीर आजम तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में $25 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज के, जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को, लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना पाए ना, जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है पिंडा है जो 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूं? एंड देन वो क्या, हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे, इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए